तो दोस्तों आज रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है और होली के त्योहार की वो 8 बातें जो आप नहीं जानते हैं। रंगों का त्योहार का मतलब सिर्फ रंग लगाना ही नहीं है एक दूसरे को, रंग हमारे जीवन को भी परिभाषित करते हैं। सुख दुख के रंग, हंसी खुशी के रंग, शांति और समृद्धि के भी अपने अपने रंग होते हैं। और आइए दोस्तों जानते हैं कि होली के त्योहार से संबंधित वो 8 बातें जो रंग खेलने से काफी अलग है। नंबर 1, रंग जाओ किसी के रंग में। होली पर जब लोग आपको गुलाल रंग लगाते हैं ना, तो ये संदेश देते हैं कि हमेशा अपनी धुन में रहना भी ठीक नहीं है, कभी कभी दूसरों के रंग में भी रंग जाना चाहिए। ये आपको एक नया एहसास देगा, नई ऊर्जा देगा, दूसरों के प्रेम और स्नेह में आपको जिंदगी के नए पहलुओं को देखने और अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो हमेशा अपने रंग में ही ना रहें, कभी कभी खुद को भूलकर दुनिया में अपनों के रंग में भी रंग कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों रंगों के त्योहार से संबंधित कि हल्का सा स्पर्श भी एक दवा है। जी हाँ, ये एक मैजिक की तरह काम करता है, जादू की तरह। जब आप किसी के गालों पर हाथों पर रंग लगाते हैं तो सिर्फ ये ना एक परंपरा है बल्कि आपका स्पर्श भी किसी के लिए एक दवा का काम कर सकता है। आपसे कौन कितना प्यार करता है ये उसके छूने के तरीके से समझा जा सकता है। एक उदाहरण देखिए, जब राजा बाली से युद्ध में चोट खाए सुग्रीव के शरीर पर जब भगवान राम ने प्रेम से हाथ रखा तो उनका सारा दर्द गायब हो गया, नई ऊर्जा आ गई, वो दुगुने उत्साह से बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो कहने का मतलब प्रेम से, प्यार से, दिल से अगर कोई आपको स्पर्श भी करता ना तो अपनों के लिए किसी इलाज से कम नहीं होता। यहाँ तक कि साइंस खुद भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि अगर आपका कोई अपना आपको प्यार से कोई ये बात भी कहे ना, यार तू टेंशन मत ले, सब बढ़िया होगा, तब भी आपके अंदर एक एनर्जी आती है, तब भी आपकी नकारात्मकता दूर होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, अपनों से दूरियां खत्म करता है होली का त्योहार, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है जिसे अपन अपनों से दूर रहकर मना ही नहीं सकते हैं। आपको अपनों के पास आना ही पड़ेगा, उन्हें छूना ही होगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये संवत यानी कि साल का आखिरी दिन है और साल का आखिरी दिन और होली का त्योहार ये समझाता है कि कितने भी मन मुटाव या मतभेद क्यों ना हो, आप अपनों के नजदीक आइए और उन्हें साथ लेकर जाते साल को विदा दीजिए और एक नए साल की शुरुआत कीजिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों होली का त्योहार भीगे मगर इमोशंस से खेला जाता है। बहुत से लोग होली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, रंग गुलाल से सरोबार होते हैं, पानी में भिगोते हैं। होली भी यही सिखाती है कि सरोबार रहें, लेकिन किससे, पानी या रंगों से? तो आप एक दिन ही भीग सकते हैं, लेकिन प्रेम, ममता, दोस्ती और अपनेपन से आप पूरे साल भीगे रह सकते हैं। कहने का मतलब होली एक इमोशंस का त्योहार है, भावनाओं का त्योहार। गुस्सा भूलें और माफ करना सीखें। क्या होली पर हम किसी के रंग लगाने से बुरा मानते हैं, किसी के मजाक पर गुस्सा होते हैं? नहीं ना, तो फिर बाकी के दिनों में आप ऐसा क्यों होते हैं? जी हाँ, कहने का मतलब होली का त्योहार हमें ये संदेश देता है कि किसी के छोटी मोटी हंसी मजाक और हरकतों से हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, माफ करना सीखना चाहिए। गुस्सा करना छोड़ें, रूठने की आदत को भुलाएं, अपनों की गलतियों पर भी वैसा ही प्रेम और अपनापन दिखाएं जैसा आप होली पर अपने कपड़े रंग देने वाले के लिए भी दिखाते हैं। इसके अलावा भौतिक साधनों का मोह छोड़ें। होली पर कपड़े गंदे हो, गाड़ियों पर गुलाल बिखर जाए, घर का फर्श रंग से सन जाए, तब भी हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अपनों के साथ होते हैं, अपनों के प्रेम में रंगे होते हैं। तब हमें ना खुद का ख्याल होता, ना हमारे आसपास की चीजों का ख्याल होता, जबकि हम पूरे साल भर चीजों को कितना साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को हर रोज कितना धोते हैं, हमारे कपड़े कितने साफ सुथरे पहनते हैं हम हर रोज, लेकिन होली के दिन सब कुछ चलता है। तो जिंदगी में ऐसे ही आप एंजॉय और चिल करके जीना सीखें, सबको एक नजरिए से देखें। होली पर सारे चेहरे रंगे होते हैं, हम भेद भी नहीं कर सकते कि किसे रंग लगाना किसे नहीं, जो हमारे पास आया उसे हम रंग लगा देते हैं, गले लगा देते हैं, हाथ मिला देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो कहने का मतलब भेदभाव मिटाता है होली का त्योहार और सबको एक नजरिए से एक तरीके से देखें, बचपन में वापस लौट आए। कई लोग होते हैं ना गंभीर होते हैं, उनका व्यक्तित्व और जीवन दोनों ही गंभीरता भरी बातों से भरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं कुछ लोग, उनके सामने जरा से हंसी मजाक कर दो उनको गुस्सा आ जाता। तो ऐसे नहीं यार, बचपन में जैसे अपन कैसे जिया करते थे वैसे चिल करके लाइफ को जीना सीखे। शिष्टाचार, अनुशासन, सलीका, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा रहना भी ठीक नहीं है, और हद से ज्यादा अगर अनुशासन हो जाए तो फिर तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा नियम कानून कायदे इनके बीच रहना कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता, कितना अपने आप में परतंत्रता भरा लगता। मतलब कि जब अंग्रेजों का राज था, भारत आजाद नहीं था, तब लोग बाग रहते थे इतने नियम कानून कायदे में डर के, अभी भारत आजाद है, चिल करके जियो, एंजॉय करके जियो अपनी लाइफ को और एक बैलेंस बना करके चलो। कुछ हद तक शिष्टाचार, अनुशासन, सलीका, तरीका भी जरूरी है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब अपन दोस्तों के साथ बैठे तब वहाँ कोई चीजें मायने नहीं रखती, वहाँ जो मन में आया बोल दो, जो जी में आया वो कर दो, ऐसे। तो होली का त्योहार हमें ये 8 संदेश देता है। उम्मीद है दोस्तों रंगों के त्योहार से जुड़ी ये कुछ खास बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।